नमस्ते, कैसे हैं आप? और आप मुझे देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता पर। जो मैं चिल्लाती थी वो चीजें मुझे बार नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना। मैं शायर भी बन गई हूँ, मैं डायन भी बन गई हूँ, मैं कुड़ी भी बन गई हूँ और मैं हसमुख भी बन गई हूँ। मतलब दुनिया को दिखाने का तो उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। सलमान सर ने मुझे आशीर्वाद दिया। राखी जैसा इस दुनिया में, मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सिटी सर को पता जिसपे बहुत बवाल हुआ था, जिसपे मुझे ये चोट भी आई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। आज हमारे साथ है एक ऐसी कंटेस्टेंट, जिनका क्या इंट्रोडक्शन करूँ मैं, क्योंकि हर पूरी दुनिया ने उन्हें बिग बॉस में देखा है। उन्होंने लोगों को मार मार के मोर बनाया है, उसके बाद क्या चल रहा है, ऐसे कई सारे जो है वन लाइनर्स उन्होंने दिए हैं। इनफैक्ट बिग बॉस के घर में उनकी बीच की जो है वो शायरी तक भी गाने लगी थी। अर्चना, पूरी जर्नी आपने काफ़ी एंटरटेन किया है, सो क्या कुछ कहना है? सबसे पहले क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बिग बॉस में ना एक मूवी बन गई है। मैं शायर भी बन गई हूँ, मैं डायन भी बन गई हूँ, मैं कुड़ी भी बन गई हूँ और मैं हसमुख भी बन गई हूँ। मतलब सब कुछ बन गई हूँ मैं वहाँ पे। मैं भूत भी बन गई हूँ। देखा आपने, शालिन को मैंने भूत की तरह डराया था। तो और मैं भाभी भी बन गई हूँ, मैं ननंद भी बन गई हूँ, मैं सास भी बन गई हूँ, मैं सब बन गई हूँ। तो पता है मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी रही है। अलग 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 चेंजेस रहे हैं, तो मैं मतलब खुश होगी अब। मतलब अपनी खुद की लाइफ को जी के मैं खुश होगी। एग्जैक्टली। अर्चना, अगर मैं बात करूँ तो फिनाले वाले दिन जब अगर हमने देखा था सलमान खान की पार्टी थी, उसके बाद जो है फराह खान की भी पार्टी हुई है, तो आपने दोनों में से कौन सी पार्टी में ज़्यादा एंजॉय किया? फरा मैम की पार्टी और एक सलमान सर की, दोनों को ही मैंने एंजॉय किया ज़्यादा, क्योंकि उधर वो पार्टी थी उधर भी, बट फरा मैम की पार्टी में थोड़ा डांस था, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग जैसे अपना शेखर सर के साथ डांस किया, फरमान के साथ डांस किया और इसके साथ डांस किया, शिव के साथ डांस किया, भाई के साथ डांस किया, फरा मैम के साथ डांस किया। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टी मेरे लिए बेहतरीन थी, दोनों ही पार्टी मेरे लिए लाइफ में बड़ी पार्टीज थी। तो और उस वाली पार्टी में सलमान सर ने मुझे समझाया मेरे करियर के लिए कि अर्चना अभी तुमको इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम में वो कैपेबल है दुनिया को दिखाने का। तो उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। सलमान सर ने मुझे आशीर्वाद दिया। एग्जैक्टली। मेरा अगला सवाल यही था कि सलमान खान ने निकलने के बाद क्या कुछ आपको टिप्स दिया या एडवाइस दी, क्या कुछ सजेशन दिया, क्योंकि कई सारे लोगों को ये कहना है कि निकलने के बाद सलमान ने उनको बात की, कई लोगों को मूवी मिल गई है, कुछ कुछ ना कुछ हुआ है, तो वही मुझे आपसे जानने का था, आपकी क्या बात हुई है, आपको क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ है? देखिए, मुझे भी जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, उसका वेट मैं भी कर रही हूँ। बट जो सलमान सर ने मुझे बोला कि अर्चना आप पॉलिटिक्स में तो हो, बट आप पॉलिटिक्स को भी और सबसे ज़्यादा आपको इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आप में कैपेबल है, आप करने की चीज़ को, मतलब आप में वो है, एक एक चार्म होता है ना, वो चीज़ है। तो मुझे उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे इंडस्ट्री में रहना चाहिए और यहीं पे रह के मुझे जनता को एंटरटेन करना चाहिए, चाहे वो मूवी फील्ड में हो, चाहे वो रियलिटी शो में हो, जो भी हो मुझे करना है। और मुझे सलमान सर की बातें बिल्कुल समझ आ गई अब तो, बिल्कुल। अर्चना, काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना था, जिस तरीके से हम देखते हैं राखी सावंत भी लोगों को काफ़ी एंटरटेन करती है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये कहा जाता है कि न्यू एज की राखी सावंत है आप, तो क्या आपको ये टैग आपको पसंद है, आपको वो लेना है या नहीं लेना है? देखो, मैं एक ही बात कहती हूँ, राखी बहुत अच्छी हैं और राखी जैसा इस दुनिया में, मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता इस इंडस्ट्री में, क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं ले सकता। राखी एक थी और एक ही रहेगी। एंड इसके अलावा अगर जर्नी की बात करें तो बिग बॉस में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो एक आप पूरा वाइप आउट करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, जो आपको अपने साथ लेके अब आगे नहीं रखना ना याद रखना है, और एक ऐसी मेमोरी जो आपको हमेशा याद रखना है, जो आपके दिल के करीब हो, एक ही बताना। जो मैं चिल्लाती थी वो चीजें मुझे बार नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा मुझे छोड़ के जाना है। और जो चीज़ मैं हमेशा याद रखूंगी, मेरी शायरी, जब वो शायरी वाला मोमेंट था ना, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। पता नहीं कहाँ कहाँ से शायरी बन रही थी, मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि क्या हो गया है मुझको। तो ये निकलने के बाद आप किन किन से मिले हो और किससे आप मिलना नहीं चाहोगे?
मैं सबसे मिलना चाहूंगी, इनफैक्ट मैं सब लोगों से मिली हूँ, चाहे वो मंडली के सदस्य हों, चाहे वो प्रियंका हो, सौंदर्या हो, सब लोग हो, मैं सबसे मिली हूँ। मुझे ऐसा कोई नहीं, और किसी से नहीं मिलना चाहूंगी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मैं मेरे कोई दुश्मन नहीं है, सब लोगों से मेरी बोलचाल अच्छी थी। ये भी कहा जा रहा है कि खतरों के खिलाड़ी आपने साइन किया है, तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? क्या वाकई आप और शिव हमको सच में खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले? देखो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट अभी चीजें आ रही हैं तो मैं देख रही हूँ, बट अभी साइन वाइन मैंने अभी कुछ नहीं किया है, बट ऑफकोर्स रोहित शेट्टी सर मुझे लेना चाहेंगे खतरों के खिलाड़ी में, मैं ऑफकोर्स जाऊँगी। कोई कौन सा ऐसा स्टंट है या ऐसा कोई खतरा है जिससे आपको वाकई डर लगता है? क्योंकि सबको किसी ना किसी से तो कुछ ना कुछ डर होता है। रोहित शेट्टी सर को पता जिसपे बहुत बबाल हुआ था, जिसपे मुझे ये चोट भी आई थी, वो था ये चिपकली। मुझे चिपकली से बहुत डर लगता है, सिर्फ एक चिपकली है जो मुझे बहुत डर लगता है। आपको लगता है आप ऐसे स्टंट्स कर पाओगे? चिपकली वाला नहीं करोगे, चिपकली से बहुत डर लगता है। ओके वेल अर्चना, लास्टली अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? आपका क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, हम आपको कहाँ अगला देख सकते हैं? आप मुझे जल्दी देखेंगे, बस मैं जल्दी अनाउंस करूंगी, आप लोगों को निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगी, और मैं चाहती हूँ बस इसी तरह से मुझे प्यार करते रहना, मैं भी आपको इसी तरह से प्यार करती रहूंगी। लव यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्चना।